Before we start today's lecture, I would just want to tell a couple of things to you. Yesterday's lecture, I hope that it went well, that you have started learning. Hopefully today's lecture will go well too, and there will be certain aspects of English language which would be new for you when you will learn from these classes. Ek do cheeze bas yaad rakhiyega. Yesterday I realized ki there were a number of questions which were haphazard or thodi I would repeat kal bhi maine ye baat kahi thi ki jo bhi aapka question hota hai wo us topic ke end mein aap mujhse puchiye, apne sath copy mein note down kar dein taki wo bhule na aapse. Jo bhi question hota hai, you're most welcome to ask questions, and I'm willing to answer all the questions. Aapki jo confusions and queries hain wo dur karne ke liye I'm here. But koshish kijiyega ki kuch cheeze ke इस टाइप की बात के मैम कुछ नहीं समझ आया सब रिपीट कर दें, इस तरह का जो डिमांड्स होती है वो थोड़ी सी अवॉइड करें. हाँ, इफ देर इज एनीथिंग जो आपको शुरू से ही समझ नहीं आया, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. ठीक है, आप कल व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन चुका है, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, क्लास में कोशिश कीजिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप अवॉइड करें. बाकी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. यस्टरडे वी डिड टू थिंग्स, टू टॉपिक्स हमने किए थे. एक हमने किया था इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, और उसमें हमने ऑब्जेक्ट, दो किस्म के ऑब्जेक्ट स्टडी किए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हमने उनके सीक्वेंस पे भी फोकस किया था कि कहाँ पर हम उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, और उसको हम स्विच कैसे कर सकते हैं और उसमें हम प्रीपोजिशन ऐड करते हैं. दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक. सेकंड थिंग जो हमने कल पढ़ी थी, देयर वर थ्री रूल्स ऑन एडवर्ब्स. एडवर्ब्स पे हमने रूल किए थे, लेकिन उससे पहले हमने एडवर्ब्स की प्लेसमेंट कहाँ पर होती है और कहाँ पर नहीं होती, इस पे भी फोकस किया था. सो देयर वर थ्री प्लेसेस वेयर एडवर्ब्स कुड बी प्लेस्ड, और एक जगह हमने कहा था कि एडवर्ब प्लेस नहीं किया जाता. देन वी डिड थ्री रूल्स ऑफ एडवर्ब्स की उनकी सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए. फर्स्ट रूल वॉज एम पी टी, मैनर प्लेस टाइम. सेकेंड वॉज कि अगर ट्रेवल वर्ब है तो पी एम टी, प्लेस मैनर टाइम. और थर्ड हमने रूल किया था टाइम और प्लेस के हवाले से कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट टू द लार्जर यूनिट, चाहे वो टाइम के हवाले से हो और चाहे वो प्लेस के हवाले से हो. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि प्लेस के हवाले से स्मॉलर यूनिट के साथ आठ का इस्तेमाल होता है और लार्जर यूनिट के साथ इन का इस्तेमाल होता है. सो आई होप देयर वाज नो कंफ्यूजन. वी डिड वन एक्सरसाइज ऑन इट एंड मोस्ट ऑफ यू डिड प्रीटी वेल. इनफैक्ट ऑल ऑफ यू डिड प्रीटी वेल. एंड में आपके क्वेश्चन थे एंड वी discuss those questions as well. Now today we are going to do another topic, a short one, and uske baad, uske foran baad we'll be starting with tenses. Aur tenses ko hum itni detail mein nahi karenge, but we'll be focusing on a couple of things first, aur phir we'll move forward to more complicated things. So let's begin. Today we'll be focusing on a topic called opshukam. Again, which is very interesting and one of my favorite topics to teach. ये भी sentence correction के form में आ सकते हैं आपके लिए paper में. ठीक है, so हम इसको भी देखते हैं. Now this rule is basically, जिस तरह हमने कल rules किए थे adverb के हवाले से, तो this rule is basically for adjectives. Now anyone please raise your hand who is going to give me a definition of adjectives. Adjectives क्या होते हैं? जी सहर तलहा. Ma'am, these are words which describe noun. Words which describe noun. Can you give me an example? For example, he's a tall boy. So a tall boy is a noun. Tall is the characteristic of boy. So tall is it. Very good. So boy is the noun, और tall क्योंकि boy को define कर रहा है, उसको characteristic उसको दे रहा है, तो उसको हम adjectives कहते हैं. ऐसे words जो they add meaning to the noun or they give characteristics to the noun, they are called adjectives. So adjectives are of many types. ठीक है, बहुत different type के adjectives होते हैं और उनके sequence भी important होता है. ठीक है, so sequence के लिए आपके पास एक acronym है. And what is an acronym? Acronym abbreviation होता है जिसको आप इकट्ठा pronounce भी कर सकते हो, उसको बोल भी सकते हो. जैसे UNICEF जो है वो एक abbreviation है, लेकिन उसको acronym क्यों कहते हैं? Because आप UNICEF को
आप इकट्ठा बोल रहे हो, यूनेस्को को आप इकट्ठा बोल रहे हो, लेकिन IMF इज नॉट एन एक्रोनिम, IMF इज एन एब्रिविएशन, ठीक हो गया. अब BAPTA इज एन एक्रोनिम, गॉट इट, यू सी द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन. एब्रिविएशन क्या होती है, जिसमें आप अलग अलग वर्ड्स को, अल्फाबेट्स को बोलते हो, ठीक है. और एक्रोनिम क्या होता है, जब आप उसको इकट्ठा एक नेम दे रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा WAPTA, ठीक है. WAPTA बेसिकली अलग-अलग अल्फाबेट्स, दे स्टैंड फॉर डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है. बट व्हेन यू आर सेइंग इट टुगेदर, देन इट बिकम्स एन एक्रोनिम. तो यहाँ आपके लिए एक्रोनिम है, इट्स शोन ऑन द स्क्रीन एंड इट्स कॉल्ड OPSHCOM. व्हाट इज इट? OPSHCOM. OP स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, SH स्टैंड्स फॉर शेप एंड साइज, A स्टैंड्स फॉर एज, C for color, O for origin, and M for material. Okay, I'll repeat, and I want you all to write down examples with it. ठीक है, मैं साथ साथ examples भी आपके साथ share करने लगी हूँ. So what is the rule? The rule is called OPSHCOM. OPSHCOM. O P S H A C O M. O P stands for opinion. ऐसे adjectives जो ओपिनियन के लेवल के नीचे आ सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, प्रिटी, अगली, नो, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो ओपिनियन हो किसी का, ठीक है. ब्रिलियंट, इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, सो इंटरेस्टिंग इज एन ओपिनियन. बुक क्या हो गया? नाउन हो गया. सो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव, जो कौन से कैटेगरी में है? ओपिनियन की कैटेगरी में, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव शेप एंड साइज, एग्जांपल्स लिखिए. क्या हो सकता है शेप एंड साइज की एग्जांपल? स्क्वायर, राउंड, बिग, स्मॉल, लिटिल, टाइनी, ऑल ऑफ दीज दे कम अंडर शेप एंड साइज. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ राउंड टेबल. आई हैव अ राउंड टेबल. टेबल इज अ नाउन, राउंड इज एन एडजेक्टिव. और यहाँ पर राउंड कौन से कैटेगरी का एडजेक्टिव है? शेप का, क्योंकि राउंड क्या है? शेप. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. आते हैं इनमें से कुछ आते हैं तो वो भी OPSHCOM ही कहलाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. आपने बेसिकली जो OPSHCOM एक्रोनिम है वो आपके हेल्प के लिए है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, OPSHCOM में आपके पास, मैं बल्कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैव अ ब्यूटिफुल ओल्ड वुडन टेबल. I have a beautiful old wooden table. Now ye dekhiye, beautiful is opinion, old is age, wooden is material. Theek hai, ab ye teen categories ke adjectives hain, lekin maine sequence wahi rakha hai. Opinion pehle rakha, theek hai, shape size nahi tha, age maine kaha new, theek hai. Did I say new or old? Well, whatever it was, beautiful, old, theek hai, age kar liya. Color maine nahi use kiya tha, so color is not there. Origin is not there. Material है wooden, वो हमने आखिर में use किया. So Tayyiba, is it clear now? Yes ma'am, all right. So nice of you ma'am. Yes, Munaza. Ma'am, young age की category में आएगा? बिल्कुल. Young, old, new, ये सारे ancient, ये सारे age की category में आएगा. Thank you. Okay, so Is this clear? The rule और उसके अंडर वर्ड्स किस किस्म के आने चाहिए, वो और उनका सीक्वेंस, ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. Is it clear? If there are any questions, please ask. Otherwise, we'll continue with an exercise. Okay. So exercise basically ये है. I don't have it on the screen, but I'm going to give you the sentences. ठीक है? You have to write down the sentence. मैं जब आपको भी dictate करूँगी, sentences को write down करें. एंड टेक अ फ्यू मिनट्स और फिर उसको करेक्ट करें. ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ, दे वुड बी रॉन्ग, दे विल बी इनकरेक्ट. यू हैव टू करेक्ट देम, ठीक है. यू हैव टू करेक्ट देम अकॉर्डिंग टू द OPSHCOM रूल. सो लेट्स सी. नाउ कीप इन माइंड, बी ओ डब्ल्यू एल को आप बाउल नहीं कहते, आप बोल कहते हैं. बोल, व्हाट इज बोल? ये कटोरी जो होती है. आई बॉट, मैम इसको रिपीट कर ले. आई बॉट अ ब्यूटिफुल ग्लास ओल्ड बोल. B-O-W-L, बोल. जो कटोरी होती है इसे बोल कहते हैं.
ठीक है, इन इंग्लिश बाउल इज समथिंग डिफरेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके ओके, नंबर टू, ही ड्राइव्स अ ब्रिटिश न्यू कार. ही ड्राइव्स अ ब्रिटिश न्यू कार. नंबर थ्री, दे लिव इन अ बिग ओल्ड वुडन. दे लिव इन अ बिग old wooden house on the beach. House on the beach. They live in a... Okay, I'll repeat. They live in a big old wooden house on the beach. Number four, I go to work in a red big bus. In a red big bus. Number five, she wore a beautiful blue woolen sweater. Mehak, let's do number two with you. He drives a British new car. He drives a new British car. Okay, categories batayega. New jo hai mam age hai aur British origin hai aur car now. Very good, perfect. Hamza, let's do number three with you. They live in a big old wooden house on the beach. Hamza, beta, aapki awaaz nahi aa rahi. Main keh raha hu ki ye as peak hai jaise likha hai. Jaisa hai, okay. Categories bataiyega. What is big? Big shape or old age, wooden material. Very good, perfect. So it's there's going to be no change in this one. Okay, let's do number four with. Card जो है मैम वो आता है size में आता है green color में आता है and जो. Very good. और noun क्या है? Origin है. Field is noun. Very good. Number eight, Umar Daraz. Number eight, we sat on horrible plastic or in small chairs. We sat horrible. ये ओपिनियन में आएगा. ओके, हॉरिबल इज ओपिनियन. ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल में आएगा. वेरी गुड. इसका स्मॉल ये साइज में आ जाएगा. चेयर ऑरेंज आपने बीच में स्किप कर दिया. ऑरेंज किस में होगा मैम? ये ऑरेंज क्या है जी बेटा? आप ठीक कह रहे हो, हॉरिबल ओपिनियन होगी. प्लास्टिक मटेरियल हो गया, स्मॉल जो है वो साइज हो गया. ऑरेंज क्या है? ऑरेंज कलर हो गया ना. ठीक है, अब इसको अरेंज करें, किस तरीके से करेंगे इसको? ये है रेड हॉरिबल. वी सैट ऑन हॉरिबल स्मॉल. वेरी गुड. ठीक है, we sat on horrible small. आगे कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन if I say Amna is the most beautiful among her sisters, तो कितनी बहनें हैं उसकी? कम से कम दो से ज्यादा है. ठीक है, Amna और एक और नहीं है, Amna है, then they are more than two. Got it now? ठीक है, so comparative में हमेशा दो होगा, superlative में दो से ज्यादा होगा. ठीक है, like for example, मेरी एक क्लास है एंड आई से दिस स्टूडेंट लेट्स से कदीर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास. ठीक है, सो इसका मतलब कदीर का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है. बट इफ आई से कदीर इज मोर इंटेलिजेंट देन अवेस, तो कदीर और अवेस का कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ दो लोगों का कंपैरिजन.
Got it? इस तरीके से आपने याद रखना है कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स जो है सिर्फ दो के बीच में इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव फॉर्म जो है वो दो से ज्यादा के बीच में इस्तेमाल होता है. नाउ लेट्स इज इट क्लियर? कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी? ओके, लेट मी रिपीट वन मोर थिंग. कंपैरेटिव में ER या मोर का इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स. सुपरलेटिव में EST, लेकिन याद रखिएगा उसके साथ द भी इस्तेमाल करेंगे आप, द और फिर EST. फॉर एग्जाम्पल, माय ब्रदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट. इसी तरीके से एक्सक्यूज मी मैम, मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट. सो सुपरलेटिव में द का इस्तेमाल जरूर होता है. जी बेटा. मैम ये सिलेबल वाली बात जो है आप बता रही थी, जैसे ये रिपीट कर दें प्लीज मैम, इसमें कंफ्यूजन है. ओके ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन ये आ जाता है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ER, EST और मोर और मोस्ट हमें समझ तो आ गया है, लेकिन कहाँ पर हमने ER, EST लगाना है और कहाँ पर मोर और मोस्ट लगाना है. और कभी कभार स्टूडेंट्स दे यूज बोथ ऑफ देम टूगेदर. गौर से सुनिएगा, अगर मैं ये कहूँ माई ब्रदर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, माई ब्रदर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मैंने मोस्ट भी लगा दिया और साथ स्ट्रॉन्गेस्ट भी लगा दिया. और ये अक्सर पेपर में आता है, ये याद रखिएगा इसको आपने किस तरह से करेक्ट करना है. एनी वन हु कैन करेक्ट दिस, माई ब्रदर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट. माई ब्रदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. वेरी गुड, माई ब्रदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग जो है इट्स अ स्मॉल वर्ड जिसकी सिलेबल तीन नहीं है, स्ट्रॉन्ग वन सिलेबल. ठीक हो गया. नाउ सिलेबल्स की बात मैं रिपीट कर दूं, एडजेक्टिव्स जो हैं या वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड, जैसे मेरा नाम हो गया मायरा, ठीक है, ये दो सिलेबल्स हैं. एमन, टू सिलेबल्स. कदीर, कदीर आई थिंक टू सिलेबल्स हैं, या दैट टू. लेकिन ताहिरा थ्री सिलेबल्स हो गए. ठीक है, सो इसी तरीके से जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके भी सिलेबल्स आपने देखने हैं. अब देखिए वीक, वीक वन सिलेबल. सो आप वीक, वीकर, वीकेस्ट इस तरह यूज करोगे. ठीक है, टाइनी टू सिलेबल्स है. टाइनी, टाइनियर, टाइनियस्ट. प्रिटी टू सिलेबल है. प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. लेकिन जब आप कहते हो इंटरेस्टिंग, ठीक है, तीन सिलेबल्स हो गए. इसमें आप इंटरेस्टिंगर और इंटरेस्टिंगेस्ट नहीं कह सकते. आप क्या यूज करोगे? मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. गॉट इट नाउ? आई होप इट्स क्लियर. सिलेबल्स को आपने, जो वर्ड्स को ब्रेक करते हैं उसे सिलेबल्स कहते हैं. ठीक है, मीन इट्स मीन मैम, इट्स मीन जिसमें तीन सिलेबल आएंगे उसके लिए हम मोर और मोस्ट का वर्ड यूज करेंगे, अदरवाइज हम ER और ES का यूज करेंगे, EST का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो हो या एक हो. बिल्कुल, सिलेबल एक सिलेबल तो डेफिनेटली आप ER और EST लगाते हो. तीन और तीन से ज्यादा भी अगर होते हैं तो आप मोर और द मोस्ट लगाओगे. नाउ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स, जो दो सिलेबल्स होते हैं उसमें आप दोनों लगा सकते हो, लेकिन जस्ट टू नॉट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स आई कैरेक्टराइज इट विद द सिंगल सिलेबल एज वेल. यानी वन और टू सिलेबल्स में आप ER, EST लगाओ, और तीन या तीन से ज्यादा है तो मोर और द मोस्ट लगाएंगे. ठीक हो गया. सो लेट्स हैव एन एक्सरसाइज ऑन दिस. आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट ऑन द स्क्रीन. यू आर वेलकम. यही डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज है. देयर इज सम मिस्टेक इन ईच ऑफ दिस दीज सेंटेंसेस. ठीक है, हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है, और मिस्टेक नॉर्मली है किसके हवाले से? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से. सो आपने उसको करेक्ट करना है. टेक योर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डू नंबर वन टुगेदर. ही इज द स्ट्रॉन्ग बॉय इन द होल क्लास. नाउ सबसे पहले आपने देखना है कि कंपैरिजन हो किसके बीच में रहा है, दो लोगों के बीच में रहा है या बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. नाउ यहाँ पर बॉय को यू कहो आई हैवंट डैश आवर्स. सो आई हैवंट मेनी आवर्स. वेरी गुड. क्या डिफरेंस हुआ? टाइम बेसिकली वर्ड टाइम है, अनकाउंटेबल है. ठीक है, लेकिन जब मैं टाइम को की जगह आवर्स इस्तेमाल करती हूँ तो आवर्स बिकम काउंटेबल. ठीक है, तभी हम टाइम के साथ मच यूज करेंगे बट आवर्स के साथ मेनी यूज करेंगे. ठीक हो गया. यस यशा फातिमा, नंबर फोर. आर देयर डैश प्यूपल्स एब्सेंट टुडे?
Are there many pupils absent today? Very good. Are there many pupils absent today? Because pupils are countable. Ji Nadia Khan, number 5. How dash does this book cost? How much does this book cost? Very good. How much does this book cost? ठीक है. अगर मैं कहूँ how dash rupees does this book cost? Nadia, how many? यहाँ पे मैंने यूनिट यूज किया रुपीज का एंड रुपीज इज काउंटेबल जबकि मनी इज नॉट काउंटेबल. जो वर्ड मनी है वो काउंटेबल नहीं होता लेकिन जब आप रुपीज डॉलर्स जब करेंसी आप ऐड कर देते हो देन दैट बिकम्स काउंटेबल. ओके लेट्स कंटिन्यू. जी एमन नंबर 6. डैश रेन हैज फॉलन ऑन द माउंटेन्स. Much rain has fallen on the mountains. Very good. Very good. Ji Kadir, let's come back to you. Number 7. 2 dash people went to the concert. Ma'am, too many people. Too many people went to the concert. Number 8. Sibha Anam. Bita, I hope I'm pronouncing your name correctly. Yes, ma'am. He doesn't know dash English. He doesn't know much English. He doesn't know much English. Very good. So this was regarding the use of much and many. Next one, again, I would ask you to write down the heading, some versus any. S-O-M-E, some versus any. Or some ke aage likhiyega. Positive sense mein use hota hai. Some is used in positive sense. Or any is used in negative sense plus questions mein. I'll repeat. Some is used in positive sense. Some is used in positive sense. Any is used in negative sense. Or any jo hai, any ke do usage hai. Ek to negative sense mein aur dusra questions mein. Any is also used in questions. So, Isha Mariam, we'll start with you. I have got dash new CDs at home, some or any. Okay, type kar de. Ma'am, kindly some and any ka dobara bata de. Okay, so let me repeat some versus any. Some ka main aapko bata rahi thi ki some is used in positive sense. Any is used in negative sense. Any is also used in questions. Any is also used in questions. So first one, I've got dash new CDs at home. Who is going to answer this? Some. Good. I've got some new CDs at home. I've got some new CDs at home. M. Aman. Number 2 for you. Yes. There aren't dash flowers in the garden. There are some flowers in the garden. No, beta, maine kaha hai, there aren't dash flowers in the garden. Okay, there are any flower. There are not there any aren't flowers. Any flowers in the garden because aren't jo hai, wo are not hota hai. There are not, theek hai? So negative ke saath aapne any ka istemal kar raha. There aren't any flowers in the garden. Ji, Sumbal Minhas, number 3. Have you got dash brothers in school? Question hai ye. Have you got any brothers in school? Very good. Memuna, number 4. Did you buy dash stamps at the post office? Did you buy any stamps at the post office? Perfect. Very good. Ji, Tanzila, number 5. Have I got dash emails this morning? Have I got any emails this morning? Very good. Okay, let's come to the next one. Give the heading. Few. A few. Little. A little. Few, a few. Little. A little. Now, kya difference hai inme? Let's discuss this. Write down iski subheading de few. Aur few ke aage likhiyega not many. Few ke aage likhiye not many. Aur brackets mein likhiye
the smallest number. The smallest number. और आगे negative का sign बना है. ये negative sense में normally use होता है. Few negative sense में use होता है. इसका मतलब है not many. और further मतलब इसका ये है कि सबसे smallest number, the smallest number. Keep in mind मैंने number कहा है, amount नहीं कहा, which means it is used with countables. ठीक है? A few की heading दीजिए. और साथ पॉजिटिव का साइन बनाइए. फ्यू जो है वो नेगेटिव है, अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव है. और इसके आगे लिखिएगा एट लीस्ट सम, कुछ तो है. एट लीस्ट सम, एट लीस्ट सम. मैम ये हेडिंग दोबारा बता दें. ओके, सो द फर्स्ट हेडिंग वाज फ्यू अ फ्यू, लिटिल अ लिटिल. और सब हेडिंग में मैंने आपको कहा कि फ्यू लिखिए, फ्यू के आगे नेगेटिव का साइन बनाइए, फिर लिखिए नॉट मेनी और ब्रैकेट्स में लिखिए द स्मॉलेस्ट नंबर, और अ फ्यू के आगे पॉजिटिव का साइन बनाइए और लिखिए एट लीस्ट सम, कुछ तो है. एट लीस्ट सम. नाउ गौर से सुनिए मेरी बात एंड यू टेल मी, यू गिव मी द आंसर. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया फ्यू और फ्यू. देयर टू मेन, Mr. A and Mr. B. Mr. A has few hair on his head. Mr. B has a few hair on his head. Who has more hair? Mr. B. Very good. Mr. B. ठीक है, at least कुछ तो है उसके, और वो positive sense में है कि उसके ज्यादा है. और जब मैंने कहा smallest number, वो few है, तो A के smallest number of hair है. Mr. B has more hair. Got it now? Now write down very two sentences. Excuse me, ma'am. But बड़े गौर से इसको आप note down करें. Although the question was difficult, just a second. Write down. Although the question was difficult, comma, dash boys were able to answer it. Dash डाल दीजिए, blank space डाल दीजिए. Boys were able to answer it. Ma'am, although the question. Next sentence लिखिए. Although the question was easy, comma, dash, boys were able to answer it. I'll repeat sentence one. Although the question was difficult, comma, dash, boys were able to answer it. Sentence two. Although the question was easy, dash, boys were able to answer it. Question. जी 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 quickly. मैम दास आपने क्या कहा था कि introduce पहले से हुआ, वो क्या example थी? उसकी example मैंने कही थी कि क्या था कि few people showed up at the ceremony. Out of the few that showed up at the ceremony, I hardly knew anyone. इसको हम करेंगे जब articles का इस्तेमाल, जब हम lecture करेंगे, तो उसमें the किस तरीके से जब पहले चीज introduce हुई होती है, उसको हम, उसके लिए हम the use करते हैं. Okay, ma'am. Okay, thank you. Allah Hafiz.